शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे आज हम यहां पर वंशावली सत्र का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं और भारत का इतिहास असल इतिहास जो भारत के ग्रंथों शास्त्रों वंशावलियों और आदिकाल से जो चला आ रहा है और उसका जो वर्णन है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें दो आदिकालीन वंश सूर्य वंश और चंद्रवंश की वंशावलियों को हम यहाँ पहले प्रस्तुत करेंगे और उनके इतिहास को तथा कलयुग में जो गठित हुए हैं दो अन्य वंश सूर्यवंश वंश और अग्नि वंश ये दो वंश जो बाद में तोमर राजवंश का जब महाभारत पर राज्य था साम्राज्य था जब इंद्रप्रस्थ के सिंहासन से तोमरों ने महाभारत पर साम्राज्य किया उस समय तोमरों की राजाज्ञा से दो अन्य वंश अग्निवंश और ऋषि वंश गठित किए गए उनका विवरण हम बाद में प्रस्तुत करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम किस प्रकार से सृष्टि चली वहाँ से शुरू करके और पहले इसमें हम चंद्रवंश का वर्णन प्रस्तुत करेंगे चंद्रवंश की वंशावली का और चंद्रवंश के इतिहास का उसके उपरांत हम सूर्यवंश का यह विवरण प्रस्तुत करेंगे सूर्यवंश के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करेंगे जबकि ग्रंथों के मुताबिक और शास्त्रों के मुताबिक सूर्य वंश वन्ष की वंशावली पहले दी गई है उसके उपरांत चंद्रवंश की वंशावली वर्णित है क्योंकि इस पृथ्वी पर इस धरा पर जो राज्य रहा है पहले सूर्य वंश का रहा है उसके उपरांत चंद्रवंश का रहा है तो चंद्रवंश का चूंकि विस्तार से और बहुत बड़ा इतिहास है और काफ़ी लंबे अरसे तक चंद्रवंश ने इस धरा पर इस पृथ्वी पर शासन किया है राज्य किया है साम्राज्य रहा है चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं तो चंद्रवंश की वंशावली हम यहाँ पहले प्रस्तुत करेंगे सूर्यवंश का चूंकि कम समय तक राज्य रहा उनका कम इतिहास है उसे हम बाद में प्रस्तुत करेंगे तो इसके लिए एक कहावत होती है सर्वप्रथम ये जान लेना ज़रूरी है क्षत्रिय किसको कहते हैं तो आना कि क्षत्रिय की परिभाषा तो श्रीमद् गीता में और महाभारत ग्रंथ में और मनुस्मृति में दी हुई है लेकिन क्षत्रिय के जो कुल बनाए गए छत्रियों के छत्तीस कुल होते हैं और छत्तीस कुल होने के कारण इनको क्षत्रिय कुल कहा जाता है या छत्तीस कुरी बोलते हैं इसको तो ये जो कुरी है या कुल हैं ये क्षत्रियों के इसके बारे में एक दोहा बेहद प्रसिद्ध है वो है के दस रविसों और दस चंद्रसों और बारह ऋषि प्रमाण और चार हुतासन यज्ञसों छत्तीस कुरी ये ज्ञान मल्लभ सूर्य वंश में दस कुल हैं चंद्र वंश में दस कुल हैं और ऋषि वंश में बारह कुल हैं और अग्नि वंश में चार कुल हैं इस प्रकार से ये सब मिलकर के छत्तीस कुल कहलाते हैं और इन छत्तीस कुलों के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है अब शब्द राजपूत का जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है जो राजाओं के पुत्र हैं या राजाओं के पुत्र रहे हैं उन्हें राजपुत्र कहा जाता है उनका सही जो शब्द परिचय है वो राजपूत है और राजपुत्र से ही राजपूत शब्द बना है जो लोग अपने सरनेम में राजपूत सीधा इस्तेमाल करते हैं दरअसल वे राजपूत नहीं होते राजपुत्र या राजपूत जो रहते हैं उसके लिए प्रथम अनिवार्यता होती है कि वह छत्री हो और इस छत्तीस कुली में शामिल हो छत्तीस कुली में शामिल होने के बाद में फिर वो राजा का पुत्र हो तब उसे राजपुत्र कहते हैं और छत्तीस कुली में तब शामिल हो सकता है जब वो किसी वंश से संबंध रखता हो सूर्य वंश से चंद्र वंश से ऋषि वंश से या अग्नि वंश से तो इसकी आप जो है इस वंशावली सत्र में पूरी तरह से व्याख्या जानेंगे समझेंगे और ये जान पाएंगे कि क्षत्रिय और राजपुत्र कौन होते हैं कैसे होते हैं और इनका आदिकालीन कैसे शुरुआत हुई कैसे वंश चले आदि का यहाँ पर जो है हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय अब हम यहाँ वंशावलियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि ग्रंथों में और शास्त्रों में वर्णित हैं उसका हम यहाँ ज्यो का त्यों उल्लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय तो इस वंशावली का वर्णन वयस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पुरुर्वा की उत्पत्ति पुरुर्वा चंद्रवंश के शासक रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा विभेद आएगा जिसमें सूर्यवंशी यहाँ पर थोड़ा सा शामिल होता है तो उसका हम यहाँ उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर जो है वैशम पाइन जी महाराजा जन्मे जय सिंह तोमर को ये वंशावली सुना रहे हैं तो वैशम पाइन जी कहते हैं जन्मे जय सिंह तोमर से हे भरतर्षभ वैवस्वत के उनके ही समान इक्ष्वाकु नाभाग घृष्णु शरियाती नरिष्यंत और प्रांशु सातवें नाभागारिष्ट करुष और प्रसग्र ये नौ पुत्र हुए हे प्रजापालक तात इन नौ पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से वरुण की इष्टि यानी यज्ञ किया था तब हे भारत जब यह इष्टि हो रही थी यानी यज्ञ हो रहा था उस समय मुनि ने वरुण के लिए आहुति दी भरत श्रेष्ठ आहुति के संपन्न होने पर देवता गंधर्व मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे अहो इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी ऐसी ख्याति है तब राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा हे भद्रे तू मेरे पीछे पीछे आ तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने यह धर्म में उत्तर दिया तब इला बोली हे वक्ताओं में श्रेष्ठ मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा मैं मित्रावरुण की अंश से उत्पन्न हुई हूं अतः उनके ही पास जाऊंगी तब श्रेष्ठ नितंबों वाली और पर्वताकार स्तनों वाली इला राजा मनुष्य इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार से कहने लगी कि हे देवताओं मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूं अतः आप लोग बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं मनुजी ने मुझसे कहा है कि तू मेरे पीछे पीछे आ तब हे राजन धर्मपरायणा साध्वी इलाके इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो हे सुंदर कटिभाग वाली सुंदरी तेरे इस धर्म विनय इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं हे महाभागे तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी यानि कि इला को जहाँ पुत्री होने का भी वरदान मिला है और उसे पुत्र होने का भी वरदान मिला है यानी एक ही उसको वो पुत्री के रूप में भी रही और पुत्र के रूप में भी रही तो यहाँ पर थोड़ा सा विभेद ये होता है कि उसने पुत्री के रूप में तो चंद्रवंश का आ, वंश चलाया है और पुत्र के रूप में सूर्य वंश का वंश चलाया है इला ने तो इस इला का जो है चंद्रवंश और सूर्य वंश दोनों को ही आगे चलाने में बड़ा योगदान रहा है तो इसी को कथा को थोड़ा सा विस्तार से हम श्रीमद देवी भागवत में से भी उच्चारण करेंगे और यहाँ जो महाभारत ग्रंथ में चल रही है उस कथा को भी यहां बताते हैं। तब हे शोभने ने उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत में प्रिय धर्मशील सुध्युम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी इस बात को सुनकर वह अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी इसी बीच में अवसर देखकर अवसर देखकर बुद्ध बुध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया तब हे राजन चंद्रमा के पुत्र बुद्ध द्वारा उस इला के सम्मोहित हो जाने पर बुध के प्रति इला बहुत मोहित हो गई थी और बहुत तो, उससे मतलब आकर्षित होकर के उसके पास चली गई तब उस इला के गर्भ से राजा पुरुर्वा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके वह इला बाद में सुद्युम्न नामक राजा हो गई तब भारत हे भारत सुद्युम्न के उत्कल गए और विन्वाश्व नामक तीन परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए तब राजन उत्कल की राजधानी उत्कला यानी उड़ीसा हुई और विनीताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पूरी हुई हे hey, तात हे hey, शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके बेटे इक्ष्वाकु, आदि दस पुत्रों ने पृथ्वी को दस मार्गों में दस भागों में बांट लिया मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि दस पुत्रों ने पृथ्वी को दस भागों में बांट लिया मनु के बड़े पुत्र इक्शाकू को मध्य देश का राज्य मिला यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी इक्शाकू की ही है सुद्युम्न कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को न पा सके परंतु कुरुद्व वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुद्युम्न को भी प्रतिष्ठानपुर तो जो प्रतिष्ठानपुर क्षेत्र है ये झांसी से प्रयाग तक का क्षेत्र तो इसमें झांसी के लिए झूंसी शब्द आया झूंसी इसका सही नाम है झूंसी तो झूंसी से प्रयाग तक का राज्य मिल गया था महायशस्वी सुद्युम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुर्वा को दे दिया अब ये राज्य उन्होंने चंद्रवंश का राजा था जो पुरुर्वा उसको दे दिया उत्कल के तीन पुत्र थे इस प्रकार से जो सारी पृथ्वी थी ये इधर आ गई पुरुर्वा के पास चंद्रवंश के पास तो उत्कल के तीन पुत्र थे ये उत्कल ये सूर्यवंश का है उत्कल के तीन पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे उनके नाम थे ध्रष्टक अम्बरीश और तंड तो महात्मा दंड ने दंडकार नामक वन का निर्माण किया जो तपस्वियों के लिए परमोत्तम आश्रम तथा लोकों में अत्यंत विख्यात है उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है भरतवंशी महाराज हे भारत सुद्युम्न कन्यावस्था में एल यानी पुरुर्वा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य तीन पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए ये सुद्युम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे उन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए थे हे भारत मनु के पंचम पुत्र नरष्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के द्वितीय पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए अंबरीश ने अंबा नामक राज्य पर राज्य किया और जिसके तहत संपूर्ण धरा के वे राजा हुए मनु के तृतीय पुत्र धृष्णु के धारष्टक नामक क्षत्रिय हुए वे रण में ढीठ थे मनु के आठवें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए ये हजारों क्षत्रियो का मंडल परम पराक्रमी था मनु के सप्तम नाभागा पुत्र नाभागारिष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे ये इनके वैश्य होने के पीछे भी कथा है और जो विस्तार से बाद में बताएंगे लेकिन संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि युद्ध में हार जाने के कारण क्षत्रिय होने पर भी इनका नाना अपने को वैश्य कहता था अतः ऐसी वैश्य पुत्री के पुत्र होने से वे वैश्य कहलाए तो इसी महाभारत ग्रंथ के इसी हरिवंश पर्व में ग्यारहवें अध्याय के नवे श्लोक की टिप्पणी में इसका पूर्ण समाधान मौजूद है जिसे हम बाद में बताएंगे मनु के छठे पुत्र प्रांशु के एक पुत्र हुआ वह शरियाती नाम से प्रसिद्ध था और मनु के पंचम पुत्र नरष्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ और मनु के चौथे पुत्र शरियात की दो संतान उत्पन्न हुई उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था वह च्यवन ऋषि की पत्नी हुई आनर्त के रेव नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ उसका राज्य आनर्त, जहां पर आज द्वारका है उस देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुश स्थली है जो आज की द्वारका कहलाती है वह था रेव के पुत्र रायवत हुए इन्हीं का दूसरा नाम ककुद्धि था ये धार्मिक थे रेव के सौ पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए वहां ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे हे राजन संगीत सुनते सुनते ये दो घड़ी वहां ठहरे रहे इतने में ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए तत्पश्चात वे यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में वापस आए उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेवादि भोज भ्रश्मी और अंधक वंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे तब यदवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था तब हे शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रायवत ने अपनी रेवती नाम की सुब्रता कन्या को बलदेव जी के हाथ में देकर स्वयं मेरू पर्वत के शिखर पर चले गए और वहाँ तपस्या में लग गए इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे यहाँ तक जो कथा है ये सूर्य वंश और चंद्रवंश इन दोनों की साथ साथ चलती है इला के कारण क्योंकि अब आगे हम बताते हैं कि चंद्रवंश की मूल कथा चंद्रवंश की मूल वंशावली को आप सुनिए है। कहते हैं कि राजन प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने का विचार किया उस समय उनके मानसिक संकल्प से सोम यानी चंद्रमा के पिता भगवान अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए अत्रि ऋषि भी प्रजा की सृष्टि में ही संलग्न हुए वे तथा उनके पुत्र मन वाणी और कर्म से सब प्राणियों का कल्याण करने वाले कार्य ही करते थे प्राचीन काल में प्रशंसनीय व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी धर्मात्मा अत्रि ऋषि ने तीन हजार दिव्य वर्षों तक अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर काष्ठ दीवार और पत्थर के समान निश्चल रहकर किसी प्राणी को तनिक भी कष्ट पहुंचाए बिना ही अनुत्तर नामक महान तप किया था यह जो अनुत्तर नामक महान तप है इससे उत्कृष्ट दूसरा कोई तप नहीं होता इसलिए इसका नाम अनुत्तर तप कहा जाता है तब हे भारत अत्रि ऋषि महान सत्व गुण से संपन्न थे वे एक टक देखते हुए ऊर्दरेता ब्रह्मचारी रहकर सोम की भावना से खड़े खड़े तपस्या करते थे अतः उनका शरीर सोम रूप में परिणित हो गया शुद्ध अंत्यकरण वाले मुनि के नेत्रों से वह सोम रूप तेज जल रूप में बह निकला और दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आकाश में चढ़ने लगा तब प्रसन्नता में भरी हुई दस दिशारूपी देवियों ने सम्मिलित होकर के उस तेज को अपने गर्भ में विधिपूर्वक धारण किया परंतु वे उस तेज को धारण करने में समर्थ न हो सकें तब औषध आदि के द्वारा सब लोगों को पुष्ट करने वाला शीतल किरणों से सुशोभित व प्रकाशमान गर्भ लोगों को प्रकाशित करता हुआ दिग्देवियों के उदर से सहसा गिर पड़ा तब दिशाएं उस गर्भ के तेज को न रोक सकी तो वह गर्भ उनके साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा सोम को गिरा हुआ देख लोक पिता में ब्रह्मा जी ने संसार का हित करने की भावना से उसे रथ पर रख दिया तब से वह रथ वेदमय धर्म स्वरूप तथा सत्य से नियंत्रित था उसमें एक हजार श्वेत घोड़े जुते हुए थे यानी सफेद घोड़े एक हजार की संख्या में उस रथ में जुते हुए थे तब अत्रिपुत्र भगवान सोम यानी चंद्रमा के गिरने पर ब्रह्मा जी के सुप्रसिद्ध सात मानस पुत्र उनकी स्तुति करने लगे अत्र गोत्री भृगु ऋषि और उनके पुत्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद की अनेक श्रुतियों से सोम की स्तुति करने लगे यानी चंद्रमा की स्तुति करने लगे अंशुरम सुष्टे देव सोमाप्या इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्तुति करने पर पुष्ट हुआ प्रकाशमान सोम का तेज तीनों लोगों को सर्वथा प्रकाशित करने लगा तब उन परम यशस्वी ब्रह्मा जी ने उस सोमवान श्रेष्ठ रथ में बैठकर समुद्र तक की पृथ्वी की 21 बार प्रदिकिणा की तो ब्रह्मा जी ने जो सोम का जो रथ था उस बैठकर समुद्र की 21 बार प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा की उस समय रथ के वेग से छलक कर सोम का जो तेज पृथ्वी पर टपकने लगा उस तेज से प्रकाशपूर्ण औषधियां उत्पन्न हुई यानी कि जो चंद्रमा का तेज है जिसे चांदनी कहते हैं तो वो जो छलकता है टपकता पृथ्वी पर उससे प्रकाशपूर्ण औषधियां उत्पन्न हुई उन औषधियों से भूलोक भूवरलोक और स्वर्गलोक इन तीनों लोकों का और जरायुज अंडज स्वेदज और उद्विज इन चार प्रकार की प्रजाओं का पालन होता रहता है हे राजन इस प्रकार भगवान सोम संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं हे महाभाग उन स्तुत रूप कर्मों से तेजस्वी होकर भगवान सोम ने एक हजार पद्म वर्षों तक तप किया चांदी के समान शुक्र वर्ण वाली जो जल की अधिष्ठात्री देवियाँ अपने स्वरूप भूत जल से जगत का पालन करती हैं चंद्रदेव उनकी निधि हुए वे अपने कर्मों से विख्यात हैं तब हे जनमेंजय तदनंतर ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज औषधि ब्राह्मण और जलों का राजा बना दिया तब हे महाराज जब प्रकाशवानों में श्रेष्ठ चंद्रमा का इन चारों के राज्य पर सम्राट के रूप में अभिषेक हो गया तब सम्राट चंद्रमा ने अपनी कांति से तीनों लोगों को प्रकाशित करने लगे उस समय प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने अपनी महावर धारिणी सत्ताईस कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी जिन्हें विद्वान पुरुष सत्ताईस नक्षत्रों के नाम से जानते हैं इस बड़े भारी राज्य को पाकर देवताओं में श्रेष्ठ सोम ने यानी चंद्रमा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें उन्होंने एक लाख गउे दक्षिणा में दान में दी थी सोम के उस युग सोम के यानी चंद्रमा के उस यज्ञ में भगवान होता बने भगवान भ्रगु आर्द्यव बने हिरण्यगर्भ उद्गाता बने तथा वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने उस यज्ञ में सनत कुमार आदि प्राचीन ब्रह्मर्षियों ने स्वयं भगवान नारायण हरि को ही सदस्य बनाया था हे भारत हमने सुना है कि उन ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ सदस्यों को सोम ने तीनों लोक दक्षिणा में दे दिए थे उस समय सिनी वाली कुहू धुत पुष्ट प्रभा वसु कीर्ति धृत और लक्ष्मी शोभा ये नौ नौ देवियाँ नित्य प्रति चंद्रमा की सेवा में लगी रहती थी इस प्रकार सभी ऋषि और देवताओं से सत्कार पाकर द्विजयराज चंद्रमा ने अवभ्रत स्नान किया और फिर वे दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे हे तात मुनियों द्वारा सम्मानित उस दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट हो गई और उसे अनिति ने धर दबाया तब उन्होंने अंगिरा के सब पुत्रों का तिरस्कार करके बृहस्पति की यशस्विनी भार्या तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया देवताओं तथा देवर्षियों की याचना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति की स्त्री उनको नहीं लौटाई तब तो देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी उनके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे उस समय शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया और रुद्र ने बृहस्पति का क्योंकि महातेजस्वी रुद्र बृहस्पति के पिता अंगिरा के शिष्य थे उसी गुरु भाई के स्नेह से भगवान शिव ने अपना आजगब नामक धनुष लेकर बृहस्पति जी के ग्रह यानी सहायक बने तब महात्मा रुद्र ने दैत्यों को लक्ष्य करके ब्रह्म शिर नामक श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा जिसने उन दैत्यों के सारे यश पर ही पानी फेर दिया यहां तारा के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ और तारकामय महासंग्राम के नाम से यह युद्ध प्रसिद्ध हुआ इसमें संसार का बड़ा भारी संहार हुआ ये तारकामय संग्राम में संसार का भारी संहार हुआ तब हे भारत इस युद्ध में मरने से बचे हुए देवता और तुषित गण देव सनातन ब्रह्मा जी की शरण में गए तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य तथा रुद्रों में ज्येष्ठ शंकर जी को भी समझा बुझाकर युद्ध करने से रोका फिर उन्होंने स्वयं ही तारा को लाकर बृहस्पति जी को दिया उस समय तारा को गर्भवती देख बृहस्पति जी ने कहा तुझे मेरे क्षेत्र में किसी तरह पराया गर्भ धारण नहीं करना चाहिए तब तारा ने अयोग्य स्थान सीखों के झुरमुट में जाकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उस भारी दस्युहंता कुमार को उत्पन्न किया उस ऐश्वर्यवान कुमार ने उत्पन्न होते ही अपने शरीर की कांति से देवताओं का तेज फीका कर दिया तब तो देवता संदेह में पड़कर तारा से कहने लगे अरे सच बता यह पुत्र चंद्रमा का है या बृहस्पति का परंतु देवताओं के पूछने पर भी जब उसने भला बुरा कुछ उत्तर न दिया तब वह दस्युअंता कुमार उसे शाप देने के लिए तैयार हो गया उस समय ब्रह्मा जी ने उसे रोककर तारा से इस संदेह को पूछा हे तारे यह किसका पुत्र है इस बात को तू ठीक ठीक बता तब उसने दोनों हाथ जोड़कर वर देने वाले प्रभु ब्रह्मा जी से कहा प्रभु यह सोमदेव चंद्रमा का ही पुत्र है तब उस गर्भ को धारण कराने वाले प्रजापति चंद्रमा ने उस महामानदस्युअंता कुमार का मस्तक सुनकर उस बुद्धिमान पुत्र का नाम बुद्ध रखा यह बुद्ध जब आकाश में उदय होता है तब प्रतिकूल चेष्टा यानि उत्पात किया करता है तदनंतर बैराज मनु की पुत्री इला ने बुद्ध से एक पुत्र उत्पन्न किया, उनके वे पुत्र महाराज पुरुर्वा हुए महात्मा पुरुर्वा के उर्वशी के गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए इधर सोम ने तो पुरुर्वा का जो है उर्वशी जो अप्सरा थी उससे भी प्रेम कथा है तो ये दो प्रेम कथाएं हैं यहां पर जो बुद्ध की और इला की और दूसरा ये उर्वशी उपसरा की और पूर्वा महाराज की ये चंद्रवंश में ये दो प्रेम कथाएं जो शुरू में हुई <coughs> तो महात्मा पूर्वा के उर्वशी के गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए इधर सोम को हटात राज्य क्षमा ने दबाया यक्षमा से ग्रस्त होने पर चंद्रमा का मंडल छीन होने लगा तब भी अपने पिता अत्री की शरण में पहुंचे माँ तपस्वी अत्री ने उनके ताप को दूर कर दिया वे चंद्रमा राज्य राज्यक्षमा रोग से मुक्त होकर सब ओर से प्रकाशित हो उठे महाराज इस प्रकार मैंने तुमसे चंद्रमा के जन्म का वर्णन किया जो कीर्ति को बढ़ाने वाला है अब मेरे द्वारा चंद्रमा के वंश का वर्णन सुनो मनुष्य चंद्रमा के जन्म को सुनते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है यह चंद्रमा के जन्म की कथा धन आयु आरोग्य और पुण्य देने वाली है इसे सुनने से मनुष्य के सारे संकल्प और मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवा हरिवंश पर्व के अंतर्गत चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन विषय पच्चीसवा अध्याय पूर्ण हुआ इससे आगे की कथा हम अपनी अगली फिल्म में सुनाएंगे जहाँ से चंद्रमा की पूरी वंशावली चलेगी और महाराजा पुरर्वा के चरित्र और वंश का वर्णन चलेगा उससे पूर्व हम इलाकी और बुद्ध की जो प्रेम कथा उसका वर्णन तथा उर्वशी और पूर्वर्वा इन दोनों ही कथा का वर्णन करेंगे उसके बाद पूर्ववा के पूरे वंश और उसका चंद्रवंश का इसका वर्णन करेंगे जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे ओम नम शिवाय 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 जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे ओ